दोस्तों अर्थ यानी कि पृथ्वी एक ऐसा ग्रह, एक ऐसा प्लैनेट जो कि इस पूरे सोलार सिस्टम में एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करता है, जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। दोस्तों पृथ्वी का फॉर्मेशन जब हुआ तो कई सारे ऐसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, ऐसे मिसकंसेप्शंस, ऐसे मिथ्स थे कि यहाँ पे लाइफ पॉसिबल करने में कई बड़ा हाथ यहाँ के जो संयोग है या फिर जो कोइंसिडेंस है इनको माना गया। ऐसा इसीलिए क्योंकि यहाँ पे जितने कंपोजिशन में गैसेस हैं, जो एटमॉस्फेयर में गैस प्रेजेंट हैं, चाहे वो ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, आर्गन हो या फिर कार्बन डाइऑक्साइड हो, जो भी हो, एक ऐसे कंपोजिशन में है जिसके कारण लाइफ आज पॉसिबल है। अगर वो कंपोजिशन थोड़ा भी ऊपर नीचे हो जाता है तो लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो इतना ज़्यादा कोइंसिडेंस कैसे है, और जो ओशन में जो सेलेनिटी है, जो नमक का पानी है समुंदर में, वो भी इतना सारा अच्छा कंपोजिशन में कैसे है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अर्ली ग्रीक्स का ये कहना है कि ये सारी चीज़ें कोइंसिडेंस है, एक संयोग है, लेकिन इन सब के बीच में एक ऐसा थ्योरी आता है जिसका नाम है गाया थ्योरी, जो कि ये दावा करता है, जो कि ये कहता है कि ये सारी चीज़ें कोइंसिडेंस नहीं है, कोई संयोग नहीं है, ये सारी चीज़ों को बनाने में लिविंग ऑर्गेनिजम्स का काफ़ी बड़ा हाथ है। तो इस थ्योरी के बारे में आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को चालू करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो प्रीवियस वीडियो था उसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था जो कि आपके स्क्रीन पर अभी दिख रहा होगा। 1990 में एक पर्सन आया जिनका एज है 15 साल और 1995 में वही सेम पर्सन का एज है 10 साल, तो इसका सही आंसर क्या है? तो भूपेश राणा ने उसका सही आंसर दिया लेकिन वो एक्यूरेट नहीं था, बाकी आप लोगों ने किसी ने ट्राई भी नहीं किया इसके बारे में। तो दोस्तों भूपेश राणा ने ये आंसर दिया लेकिन मैं आपको एक्यूरेट इसका आंसर बताने वाला हूँ। हम जब जीरो से लेते हैं तो फिर इस साइड का वाला जो होता है वो एडी होता है, यानी कि आफ्टर डेट, तो इधर हम सीधे सीधे काउंट करते हैं, लेकिन वो बीसी में था यानी कि वो जीरो से इससे पहले था, तो यानी कि हम वहाँ पे काउंटिंग उल्टा स्टार्ट करते हैं, तो इस वजह से उसका 1995 में भी एज 10 साल होगा, यानी कि उल्टा उसे पीछे ले रहे हैं क्योंकि वो जीरो पे आ रहा है, उसके बाद ये काउंटिंग इधर से स्टार्ट होता है। तो ये सब बात था उस क्वेश्चन का आंसर का। तो इस वीडियो तो 1970 में एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था जेम्स लोवलो। जेम्स लोवलो ने एक अपनी बुक पब्लिश की जिसका नाम उन्होंने दिया गाया थ्योरी, यानी कि उन्होंने इसमें प्रीडिफिनेशंस दी हमारी जो अर्थ की फॉर्मेशंस है उसके रिगार्डिंग। उन्होंने इस पे जो बताया, मैं आपको उसे डेफिनेशन के थ्रू बताने से आप कुछ उसे अच्छी तरह समझ नहीं पाएंगे, मैं आपको उसे एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। उन्होंने इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बताया, हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग ये बताया कि इस पे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, यानी कि यहाँ पे जब सबसे पहले लाइफ स्टार्ट हुई थी तो यहाँ के जो बैक्टीरियास और प्लांट हुआ करते थे वो धीरे धीरे करके यहाँ पे लाइफ को पॉसिबल बनाए। मीनवाइल वो जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट वेस्ट निकालते थे, यानी कि जो नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, उनको जब वो रिलीज़ करते थे तो इस एटमॉस्फेयर, इस बायोस्फीयर में चला गया, और जो वहाँ पे जो कम्बशन के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड था, पहले यहाँ पे बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हुआ करता था, वो सारे कार्बन डाइऑक्साइड इन्हीं बैक्टीरियास और इन्हीं प्लांट्स ने ले लिया और धीरे धीरे करके कार्बन डाइऑक्साइड को एक मात्रा में लेकर आए। दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन ही एक ऐसा एलिमेंट है जो कि उससे ज़्यादा रिएक्टिव है, यानी कि ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में है जो कि सारे एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट कर सकता है, जो कि काफ़ी हाईली कम्बस्टेबल है। यानी कि अगर हम मीथेन को देखें, CH4 को, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में अभी भी प्रेजेंट है, वो भी अभी कम्बशन हो सकता है ऑक्सीजन के साथ मिल करके, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये सारी चीज़ों को हम पीछे छोड़ देते हैं हमारी जब अर्थ की फॉर्मेशंस की बात होती है। अगर हम अर्थ में कंपोजिशंस की बात करें तो 78.09% नाइट्रोजन है, 20.95% ऑक्सीजन है, 0.93% आर्गन है और 0.039% कार्बन डाइऑक्साइड है। ये सारी हमारी अर्थ के कंपोजिशंस है जो कि आज तक सिमिलर है, यानी कि ये अभी तक बढ़ा नहीं है, मतलब कि अगर ये बढ़ जाता तो कुछ दिक्कत होता, अगर ये कम हो जाता तो फिर कुछ दिक्कत होता, यहाँ पर लाइफ में भी पॉसिबल ना हो पाता। लेकिन अगर हम आज की डेट की बात करें तो यहाँ पर पॉल्यूशन कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से बढ़ते जा रहा है, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंपोजिशन है उसमें ग्रेजुअल चेंज आ रहा है, जो कि नेचुरल डिज़ास्टर की ओर लेकर चल रहा है। ये सारी चीज़ें कोइंसिडेंस नहीं है, ये सारी चीज़ें हमारा जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स था, यानी कि जो बैक्टीरियास, जो प्लांट हुआ करते थे, वही सारी चीज़ें इस पॉसिबल बनाए कि यहाँ पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह सके।
तो दोस्तों ये सारी बात हो गई, ये सारी चीज़ें कंपोजिशंस की। लेकिन अगर आपने कभी नोटिस किया होगा, जो हमारा जो ओशंस है या फिर हमारा जो समुंदर है, वहाँ पे नमक का पानी होता है, यानी कि वहाँ पे नमक कुछ ज़्यादा ही होता है। आप डेली देखते हैं कि मतलब डेली तो नहीं, लेकिन वहाँ पे जो नदी से जो पानी आता है, वहाँ जो पत्थर मन अगर रगड़ जाता है या फिर जो भी अपने साथ सैलिनिटी या फिर नमक लेकर आता है, वो समुंदर में घुल जाता है। ऐसा डेली वहाँ पर ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। तो आपने कभी ये सोचा है कि अगर डेली ऐसा होता है तो जो नमक का कंपोजिशन है हमारे समुंदर में सैलिनिटी वाटर, वो इंक्रीज क्यों नहीं होता है? वो आज भी उतनी मेंटेन है, 3.4%, वो आज भी उतनी स्टेबल है, यानी कि 3.5% सैलिनिटी वाटर है हमारे ओशन में, वो आज भी उतने ही मेंटेन करके रखा हुआ है, जबकि वो प्रोसेस डेली होता है। अगर हम ध्यान से देखें तो जो दरार होती है, जो ओशन के वाटर अगर सतह पे आ जाती है, तो उस कंपोजिशन में हमारे अर्थ में वो सारे सैलिनिटी यानी कि वो सारा नमक अंदर चले जाता है। इसी वजह से 3.4% वो आज भी उतनी मेंटेन है। अगर ये ज़्यादा हुआ या कम हुआ तो हमारे जो अर्थ में आज लाइफ पॉसिबल है वो पॉसिबल ना हो पाता। आई होप आपको गाया थ्योरी के बारे में समझ आ गया होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल ज्ञानी टाइम एट एनी टाइम।